हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का 13th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात संक्रमण तत्वों का मिश्र धातु बनाना। संक्रमण तत्व मिश्र धातुएं कैसे बनाती हैं। आज का बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, अर्थात अंतराकाशीय यौगिक बनाना। तो बेटा आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एलॉय फॉर्मेशन, अर्थात मिश्र धातुएं बनाना। सेकेंड वन इज इंटरस्टीशियल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड, अर्थात अंतराकाशीय यौगिकों को बनाना। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक जो आज का है वो लिख लेते हैं, क्या है? एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन अर्थात बेटा जी मिश्र धातुएं बनाना, मिश्र धातुएं बनाना, मिश्र धातुएं बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? तो बेटा जी मार्केट में आपने देखा होगा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, पीतल है, कांसा, ये क्या है बेसिकली? ये कोई धातु है? ये एक धातु नहीं बेटा, ये एक से अधिक धातुओं का मिश्रण है, एक से अधिक धातुओं का मिश्रण है, इसलिए इन्हें कहते हैं मिश्र धातुएं। क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं। अब सवाल ये होता है बेटा जी मिश्र धातुएं कैसे बनती है, मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं? तो देखिए बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल होती है ना, संक्रमण तत्व जो है धातुएं, धात्विक लक्षण के होते हैं, इसलिए संक्रमण धातु वर्ड यूज करेंगे हम। आप लगे ट्रांजिशन एलिमेंट से ट्रांजिशन मेटल को कहने लगे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो हम कहेंगे जो संक्रमण धातुएं जो होती हैं बेटा, उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब है बेटा अधिकांश कौन से वाले गुण, जो उन जितने भी आपने देखा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, या आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हुआ, या कैटलाइटिक प्रॉपर्टी हुआ, या आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ये सभी क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ही तो हैं। तो ये देखा गया, अच्छा हाँ, एटॉमिक रेडियस वगैरह ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो ये देखा गया बेटा जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? समान होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी समान होते हैं, मतलब उनके एटॉमिक साइज, उनके आकार भी क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। तो समान आकार होने के कारण बेटा ये क्या करते हैं, ये दूसरी धातुओं से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिश्र धातुएं बना लेते हैं। अच्छा, मिलते कैसे हैं? तो बेटा जी इनके आकार समान है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक धातु के जालक से दूसरी धातु, जालक कहते हैं लैटिस को, एक धातु के जालक से दूसरी धातु क्या कर देती है, उसके एटम्स को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है और वहां पर खुद लग जाती है, खुद जुड़ जाती है, ठीक है, जिससे मिक्सर बन गया, ठीक है, और मिश्र धातु नहीं बन जाती है। ठीक है बेटा जी, यह मतलब है, मतलब क्या है। और हाँ बेटा, ये देखा गया इनकी जो मेटल्स होती है ना ट्रांजिशन मेटल, उनके एटॉमिक रेडियस, उनके एटम, दूसरे एटम, कई सारे एटम होंगे तो उनके बीच 15% का अंतर होता है। कितना? 15%। तो काफी अंतर है, 15% अंतर है, तो उसमें जाके दूसरी मेटल्स क्या हो जाती है, फिट हो जाती है, दूसरे मेटल्स के एटम फिट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनके जालक में फिट हो जाते हैं, जिससे सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है, ठोस बिलियन बन जाता है। इस ठोस बिलियन को कहेंगे मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु संक्रमण धातुओं या एक से अधिक धातुओं का एक ठोस बिलियन होता है, एक ठोस बिलियन होता है, जिसमें एक से अधिक मेटल्स क्या होती हैं, होती है। अच्छा, अब इनका परसेंटेज, हर किसी में परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें स्टील की, तो स्टील में ये देखा गया बेटा, स्टील जो है, स्टील में 99.95% यानी कि 99.95% क्या है, आयरन होता है,
और 0.5% कार्बन होता है, तब बनती है आपकी स्टील। वहीं स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है बेटा, ऐसे कांसे में इस तरह से मिश्र धातु में ये हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करो लिखना, क्या लिखोगे बेटा जी मिश्र धातु में? चूंकि एलॉय फॉर्मेशन डाल के लिखा, बिकॉज चूंकि बेटा जी बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात इनके आकार लगभग क्या होते हैं बेटा जी, लगभग समान होने का मतलब इनके एटॉमिक साइज लगभग बराबर होते हैं, मतलब कम अंतर होता है इनके एटॉमिक साइज में, कम अंतर होता है, लगभग समान होते हैं। ठीक है बेटा, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट के आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इसलिए एक मेटल दूसरी मेटल के लैटिस से, लैटिस मतलब होता है जालक से, दूसरी मेटल के लैटिस से यानी कि जालक से क्या करती है, जालक से उसे सरलतापूर्वक इजीली रिप्लेस करके एक ठोस सॉल्यूशन बना लेती है, जिसे एलॉय कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ये थ्योरी लिखी आपने, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, अर्थात इनके आकार लगभग समान होते हैं, ये कह सकते हैं, इसलिए एक मेटल दूसरी मेटल के लेटिस से, जालक से, उसे इजीली रिप्लेस करके सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिसे एलॉय कहते हैं। इस ठोस विलयन को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें एक से अधिक धातुएं मिल गई। ठीक है बेटा, अब हो गया। अब देखो जरा, जैसा हम देखते हैं एलॉय ऑफ आयरन, एग्जाम्पल देखो जरा, एलॉय ऑफ आयरन यानी कि लोहे की मिश्र धातुएं एलॉय ऑफ आयरन लोहा है ना, लोहे की मिश्र धातु। पहली है स्टील बेटा, कौन सी है, स्टील। स्टील में क्या होता है, स्टील में 99.95% आयरन होता है, ऐसी प्लस और क्या मिला हुआ होता है, प्लस इसमें मिला हुआ होता है बेटा 0.5% कार्बन, तब बनती है स्टील। दूसरा है एग्जांपल इसका स्टेनलेस स्टील भी होती है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, स्टेनलेस स्टील में 74% आयरन 18% क्रोमियम सीआर तथा 8% निकिल होता है, 8% निकिल। ठीक है बेटा जी, 8% निकिल होता है, 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है स्टेनलेस स्टील में। ऐसे ही देख ले हम पीतल में क्या होता है, पीतल किस किस का मिश्रण होता है, पीतल बेटा जी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल में क्या क्या होता है, पीतल में कॉपर होता है, कॉपर प्लस जिंक। अच्छा भाई, कांसे की बात कर ले, कांसा
कांसा मिश्र धातु होती है। कांसे में क्या होता है, कांसे में बेटा कॉपर प्लस टिन होती है, कॉपर होता है प्लस टिन भी होती है। ये कुछ एग्जांपल थे मिश्र धातुओं के, ठीक है बेटा। आयरन के दो एग्जांपल लिखवाए हैं, एक स्टील दूसरा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तीसरा पीतल, चौथा कांसा। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है 99.95% 99.95%, तो क्या होता है आयरन होता है 0.5% कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में बेटा जी 74% लोहा, 18% क्रोमियम, ठीक है, और 8% क्या होता है निकल होता है, ठीक है बेटा। अब पीतल क्या होता है, पीतल में, पीतल जो होता है उसमें दो धातु मिली हुई होती है, एक कॉपर दूसरी जिंक। कांसे में कॉपर और टिन मिली हुई होती है, ठीक है बेटा जी। ये हो गया एलॉय फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा इंटरस्टीशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। या कह सकते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन यहां ना लिखे बेटा, यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां लिखते हैं फॉर्मेशन बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड अर्थात अंतराकाशी यौगिक बनाना। ये देखा गया बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं को अपने लेटिस में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं और क्या बनाते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना लेते हैं। छोटे छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इन्हें रख लेते हैं और क्या कर लेते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना लेते हैं। इंटरस्टीशियल का मतलब क्या, अंतराकाशी, अंतराकाशी का मतलब होता है बेटा जी जैसे ये है, ठीक है ये एटम है, ये एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच जो स्थान होगा ये कह रहा है इंटरस्टीशियल पोजीशन, ठीक है बेटा जी। तो कुछ दूरी मैंने बताया 15% दूरी होती है एक एटम और दूसरे एटम के बीच, ठीक है, इनकी रेडियस में 15% क्या होती है डिस्टेंस होती है, जिसमें क्या आ जाते होंगे छोटे छोटे परमाणु आ जाते होंगे जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आ जाते होंगे तब क्या बन जाता होगा उन यौगिकों को हम कहेंगे इंटरस्टीशियल कंपाउंड या अंतराकाशीय यौगिक, ठीक है। तो लिखो जरा बेटा लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां पे लिख देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोमा स्मॉल साइज, छोटे आकार वाले स्मॉल साइज वाले एटम्स, स्मॉल साइज वाले एटम्स जैसे हाइड्रोजन कोमा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ईटीसी से मिलकर क्या बनाते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना लेते हैं, इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना लेते हैं अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं, ठीक है जी बेटा जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्मॉल साइज वाले एटम्स जैसे हाइड्रोजन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन आदि से मिलकर अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सॉलिड है, क्या है सॉलिड, तो देखो बेटा सॉलिड है उसका लेटिस ये था, कुछ दूरी रह गई बेटा, तो इन दूरियों पे क्या आ गए होंगे, इन दूरियों में कार्बन हाइड्रोजन बोरोन नाइट्रोजन इनके एटम आ गए होंगे, ये ट्रांजिशन
मेटल से ट्राइजेशन एलिमेंट्स के क्या हैं, परमाणु हैं। तो बीच में किसके आ गए, कार्बन हाइड्रोजन बोरॉन और नाइट्रोजन के, इन्हें कहेंगे इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा जी ट्राइजेशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी कंप्लीट कर दिया है बेटा जी। ठीक है, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, लेकिन बेटा जी हमने लगभग सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे इंपोर्टेंट सभी डिस्कस किए बारी बारी से। ठीक है बेटा जी, तो बेटा आप इसका रिमेनिंग पार्ट इस यूनिट का क्या बचा है, कुछ क्वेश्चन और देख लिए जाए। ये क्वेश्चन जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हीं पर बेस्ड है जो हमने करवाए भी थे। ठीक है बेटा जी, तो आज आपका ये समझ लीजिए जैसे टेस्ट हो रहा है, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बेटा, सॉल्व करना। ठीक है, हम यहां वैसे सॉल्व तो नहीं करेंगे लेकिन बता देंगे, आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है लेकिन सॉल्व आपको करना होगा, इनमें से काफी क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग, निम्नलिखित जो ये यौगिक हैं इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना करके बताइए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने इसमें, कितने इसमें। पहला है Fe2O का होल 6 प्लस 3 चार्ज, दूसरा CONH3 का होल 6 प्लस 3 चार्ज, तीसरा FeCN का होल 6 माइनस के 3 चार्ज। ठीक है बेटा जी, ये तीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है बेटा जी, जरा करिए कोशिश, अब तक हम इंक डाल देते हैं। पहला है Fe2O का होल 6 प्लस 3, इसमें कैलकुलेट करो जरा, देखो कितने आ रहे हैं कैलकुलेट करके। ठीक है बेटा जी, तो Fe की सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताइए जरा, तो बेटा Fe की लिख रखा है प्लस 3 है, कितनी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस तीन में से, बाकी आप कर लेना। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है Fe2O को होल 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, तो ये मिटा देते हैं CONH3 का होल 6, ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इसका आंसर कर रहे हैं। देखो पहला है Fe, नीचे लिखो Fe बेटा H2O का होल 6 ब्रैकेट के ऊपर प्लस 3 चार्ज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसकी x मानो, इसकी x प्लस H2O न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसकी 0 होती है। अब कितने हैं 6, तो 6 से गुणा कर दो बराबर में प्लस 3, क्यों, क्योंकि आयन है, आयन की ऑक्सीजन स्टेट बराबर होती है उस पर ऊपर से चार्ज के। तो h प्लस 0, 6 की 0 से गुणा करी तो 0 बराबर प्लस 3, तो क्या आ गया x बराबर प्लस 3। तो x किसकी मानी थी मैंने, Fe की, इसलिए Fe की क्या आ गई प्लस 3। तो Fe की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया हमें। अब देखो Fe होता है एटॉमिक नंबर 26, क्या होता है आर्गन 3d6 और 4s2, 3d6 और 4s2 यानी कि 18 और 6 24 और 26 हो गया। तो बेटा प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, प्लस 3 लगा के देखो, प्लस 3 लगा के देखा तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे 4s2 में से और एक इलेक्ट्रॉन 3d6 में से, यानी कि 3d5 रह गया, 3d5। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चला, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब बेटा ये 5 ऑर्बिटल कैसे अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर 5। ये हो गया आंसर आपका, खत्म, सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। अब आपको Fe H2O का होल 6 प्लस 3 करके दिखा दिया, अब आप देखना स्वयं करके CONH3 का होल 6 प्लस 3, ये आप स्वयं करना, कौन सा CONH3 का होल 6, ये भी न्यूट्रल होता है NH3 प्लस 3। ठीक है, यहां पे भी CO की क्या आ जाएगी, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, आप कैलकुलेट करना। दूसरा था Fe, तीसरा था FeCN का होल 6
-3 इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि +3 आएगी, यहाँ पे भी 5 आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपल दिख रहा है, ठीक है ये करके देखना, इसमें भी 5 आएंगी लेकिन दोनों करके देखना। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन ये है, बताइए वाई 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 टाइटेनियम +3 आयन, वाई टाइटेनियम +3 आयन इज पैरामैग्नेटिक, इज पैरामैग्नेटिक, वाई टाइटेनियम +3 आयन इज पैरामैग्नेटिक एंड शोज रेडिश वायोलेट कलर, बताइए बेटा, बताइए टाइटेनियम +3 आयन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है और यह रेडिश वायोलेट कलर क्यों दर्शाता है, किसकी वजह से? तो बेटा पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, तो मैंने क्या बताया था, पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता होगा, करेक्ट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होगा आंसर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करेक्टर किसकी वजह से आता था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए पैरामैग्नेटिक हो, करके देख लेना। अच्छा रेडिश वायलेट कलर किसकी वजह से आ रहा होगा, कलर किसकी वजह से आता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, तो इसलिए किसकी वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर भी दर्शा रहा होगा। ये हो गया सॉल्व, आप खुद करना, ठीक है बेटा जी, हमने कारण बता दिया। आप बेटा तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, आप तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, वाई जिंक वाई जेड एन सोज जेड एन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई नॉट जेड एन +3, बेटा जिंक जो है वो सदैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, +3 क्यों नहीं? तो बेटा डी, बेटा जी क्या होता होगा, डी है जिंक, ये है जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 3d10 होता है, आर्गन पहले लिख दूं, आर्गन 18, 3d10 और 4s2, अब +2 अगर दर्शाएगा तो सोचो +2 दर्शाएगा तो 3d10 रहेगा, 4s में से निकल जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो 3d10 क्या है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, बहुत स्टेबल होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा इसकी वैलेंस शेल में, तो बेटा जी फुल फिल्ड है यहाँ पे, तो ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों खोना चाहेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, Zn +3 में आएगा, इसका मतलब तो ये होगा 3d9 होना चाहिए, और 9 वाला तो कम स्टेबल होगा, इसलिए ये नहीं दर्शाता, सदैव यही दर्शाता है, ठीक है, ये कारण हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई Cu +2 आयन इज पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड व्हाइल Zn +2 आयन इज डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो बेटा सिंपल, Cu +2 आयन पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते होंगे, कलर क्यों शो करता होगा, क्योंकि कलर डीडी ट्रांजिशन होता होगा इसलिए कलर शो करता होगा। दूसरा, जबकि Zn+2 डायमैग्नेटिक होता है, तो Zn+2 डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कलरलेस होगा क्योंकि इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, खत्म। अगला है पांचवा क्वेश्चन, विच आयन हैज हायर मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, क्वेश्चन भी करवाए थे, अब ये ही आपका टेस्ट चल रहा है, ये लगा लीजिए, ठीक है बेटा। तो बताइए विच आयन हैज हायर मैग्नेटिक मूवमेंट, कौन से आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होता है, मैग्नीज +2 आयन का या वैनेडियम +2 आयन का, ठीक है बेटा। तो जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एन एन +2 बीएम, ये फॉर्मूले से निकालेंगे, जहां एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बेटा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का मान ज्यादा होगा, तो जनरली किसमें, मैग्नीज में आएंगे आई थिंक, हो सकता है, ठीक है आप कैलकुलेट करके देखना। ये हो गए आपके आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बेटा जी, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।